महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, उन्हें हर प्रकार के रोगों से दूर करने के लिए घर में सुख समृद्धि के लिए शीतला अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती हैं। साल 2024 में शीतला अष्टमी व्रत 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को होगा। अष्टमी पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से शाम को 6:40 पर। कुल अवधि 12 घंटा 30 मिनट। बहुत सारे लोग शीतला अष्टमी के साथ शीतला सप्तमी व्रत पूजन करते हैं, तो आइए शीतला सप्तमी जान लेते हैं। साल 2024 में शीतला सप्तमी का व्रत 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात्रि 9:09 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 2 अप्रैल को रात्रि 8:08 पर। मान्यता है कि जिस घर में शुद्ध मन से शीतला माता की पूजा होती है वहाँ हर प्रकार के सुख समृद्धि बनी रहती है और घर रोग रहित रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला महामारी और रोगों की उपचारक है। जब महान महामारी और संक्रामक रोग पृथ्वी पर जीवित प्राणियों को प्रभावित करते हैं तो माता देवी अपने बच्चों की सहायता के लिए शीतला माता के रूप में प्रकट होती हैं। वह एक हाथ में झाड़ू या नीम के पत्ते रखती हैं। शीतला अष्टमी पूजा विधि, अष्टमी के दिन आवश्यक प्रसाद या भोग पिछले दिन की शाम को तैयार किया जाता है। तो तैयार व्यंजन गुड़ और तेल का उपयोग करके बनाया जाता है। मीठी रोटी, मीठे चावल, बेसन, आलू की पूड़ी, गुलगुले आदि बनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में रात पर भी गोए हुए काले चने अगले दिन चढ़ाए जाते हैं। अष्टमी के दिन भोग को शीतला माता के मंदिर में ले जाया जाता है और कच्चे दूध से बनी लस्सी के साथ भोग लगाया जाता है। मक्खन और दही के साथ मीठी रोटी का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को इस दिन कच्ची लस्सी का भोग खूब लगाया जाता है। कई क्षेत्रों में इस दिन छोटी कन्याओं की भी पूजन की जाती है। अष्टमी के दिन गर्म चीजें नहीं खाई जाती। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन चढ़ाने की एक अनोखी रस्म है। शीतला अष्टमी पूजा के लिए आवश्यक भोजन एक दिन पहले तैयार किया जाता है। लोग इस दिन शीतला माता के लिए तरह तरह के खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं। इस दिन लोग वृद्धों को भोजन भी कराते हैं।